हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं त्रिश किचन और मैं हूँ त्रिशा। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, मैं आपको जिंजर स्टोर करना दिखाऊँगी। मैं इस तरह से जिंजर को स्टोर करती हूँ, ये 2 मंथ्स तक अच्छे रहते हैं एकदम। ये देखिए, ये आफ्टर 3 वीक्स है। 3 वीक्स पहले मैंने इसको रखे थे, ये अभी भी फ्रेश है। ये आराम से 2 मंथ तक ऐसे ही रहते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं ये कैसे करती हूँ। यहाँ पर मैंने ये जो जिंजर है, मैं ये बाज़ार से लेकर आई हूँ। ये एकदम फ्रेश जिंजर है, याद रखिए अगर ये फ्रेश जिंजर ना हो तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ये एकदम अच्छे वाले फ्रेश जिंजर आप चूज़ कर रखिए। ये देखिए एकदम फ्रेश है। तो ये बहुत बिग पीसेस है, इसको पहले स्मॉल पीसेस में मैं कट कर लूँगी। मैं इनको हाथों से ही तोड़ ले रही हूँ, ये ईजी है इनको हाथों से तोड़ना। तो इनको मैंने ये इस तरह से स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। इसमें बहुत सारी मिट्टी है, उसको मैं अभी साफ़ कर लूँगी। एक बोल में मैंने पानी ले लिया है, पानी लेकर सारे जो जिंजर पीसेस हैं एक एक करके इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसको हाथ से मैं अच्छे से घिसूँगी। आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये हाथ से भी अच्छे से निकल जाता है। इस तरह से सब डालने के बाद अच्छी तरह से, इसमें धूल नहीं रहनी चाहिए, इस तरह से इसको साफ़ कर लूँगी। अच्छे से घिसकर साफ़ कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कितनी धूल निकली है इसमें, इतना मट्टी था इसमें। इन सबको मैंने अच्छे से घिस के साफ़ कर लिया। अब ये पानी को मैं फेंक दूँगी, फेंक कर फ्रेश वाटर ले रही हूँ। फ्रेश वाटर में 4 से 5 मिनट्स तक इसको मैं सोक कर रखूँगी, जिससे अगर एक्स्ट्रा और भी धूल है, मिट्टी है, तो वो निकल जाए इनमें से। बट याद रखिए 4 से 5 मिनट से ज़्यादा मत रखिए, नहीं तो जो जिंजर है वो वाटर सोक कर लेंगे, और अगर इसने वाटर सोक कर लिया तो ये ख़राब हो जाएंगे, आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। थोड़ा पानी को झाड़ कर मैं इसको बाहर एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इस तरह से सारे जिंजर पीसेस को हम निकाल लेंगे। तो ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, फटाफट 4 से 5 मिनट्स ऐसे ही हो जाए इनको हटा दीजिए, आप निकाल लीजिए। निकाल कर एक प्लेट में अलग रख लीजिए। फिर इसके बाद एक किचन टॉवल ले लिया है मैंने, उसमें मैं सारे जो जिंजर है उनको ड्राई करने के लिए रख दूँगी। हम यहाँ पर पेपर टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं, नैपकिन में, पेपर नैपकिन में भी इसको हम ड्राई कर सकते हैं। तो फ़ैन के नीचे मैं इसको हाफ़ एन आवर के लिए रख दूँगी। तो आफ्टर हाफ एन आवर ये सूख गए अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट कंटेनर लिया है, ये प्लास्टिक का है। इसमें मैं पेपर टॉवल को, पेपर नैपकिन को मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। स्प्रेड करने के बाद सारे जिंजर पीसेस इसमें मैं डाल दूँगी। ये देखिए सारे मैंने डाल दिए हैं। अभी मैं एक पेपर नैपकिन लूँगी, बट इसको स्प्रेड नहीं करना, इसको फोल्ड करके ही लगाना है, क्योंकि इससे जितने मॉइस्चर आएंगे तो ये जो पेपर है ये सोक कर लेगा। तो ये जो नीचे वाला स्प्रेड किया था हमने, ऊपर जो है उसको हम फोल्ड कर दे रहे हैं। इस तरह से इसको फ्रिज में रखना है। आप जब भी इसको यूज़ करेंगे निकाल लीजिए, निकालने के बाद आप इसको फिर से फ्रिज में रख दीजिए। ये देखिए ये रेडी है फ्रिज में जाने के लिए। मेरे पास कुछ और भी जिंजर्स हैं जिसको मैंने 3 वीक्स पहले रखा था। ये देखिए ये 3 वीक्स पहले के हैं, ये देखिए अभी भी कितने फ्रेश हैं। ये जब भी अब मैं यूज़ करती हूँ इसको, यूज़ करने के बाद थोड़े ये वेट रहते हैं, तब मैं कुछ देर इसको बाहर रख देती हूँ ड्राई होने के लिए। ये देखिए इसका जो लीड है, इसमें देखिए आप पानी देख सकते हैं। तो जब भी आप फ्रिज से निकालेंगे ऐसा पानी देखेंगे, तो उसको थोड़ा सा पोंछ दीजिए और जिंजर को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिए। जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए। इस तरह से आप बहुत दिनों तक जो जिंजर है इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जस्ट 2 चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप इसको निकालें यूज़ करने के लिए, इसका जो लीड है वो थोड़ा सा भीगा रहेगा, उसको आप थोड़ा सा पोंछ दीजिए, और जो जिंजर है उनको भी थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिए। फिर से आप इसको सेम वे से पैक करके अंदर रख दीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप मेरी ये टिप आपके काम में आए, आपको ये अच्छा लगे।